आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भाजपा का 4.5 साल का विकास का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए आजमगढ़ जिले के सगड़ी के पूर्व भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने जीएनपुर स्थित एक मैरिज हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 4.5 साल में 1.5 साल तो कोरोना की बीमारी से लड़ते हुए निकल गया, बचा जो समय 3 साल का उसमें सपा और बसपा सरकार की तुलना में काफी विकास का कार्य योगी की सरकार ने किया। जल्द ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आजमगढ़ आसपास के जिले को मिलेगा। विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य किया जाएगा। अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का काम योगी की सरकार ने किया, नहीं तो इसी आजमगढ़ जिले में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अपराधियों का बोलबाला रहता था। जहां तक सवाल है अयोध्या में मंदिर निर्माण का, वो भी सरकार ने पूरा किया। काशी में भी कॉरिडोर बनाया। सगड़ी की बात की जाए तो जीएनपुर से अजमतगढ़ ब्लॉक तक चौड़ीकरण सड़कों के मामले में हुआ, रजादेपुर से हरैया ब्लॉक तक चौड़ीकरण हुआ। पूरे प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालय को चौड़ीकरण से जोड़ने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया। लाटघाट से रौना पार सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है। बिरियागंज से रौना पार का मार्ग चौड़ीकरण को प्रस्तावित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाटघाट का निर्माण की इसी सरकार में हुआ, वहां पर ऑक्सीजन उपकरण लगाने का कार्य हुआ। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार बंद हुआ। सत्ताधारी दल का विधायक और सांसद न होने के बावजूद भी जिले में खूब विकास हुआ। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी लगभग 5-6 बार आजमगढ़ आ चुके हैं। यहाँ के MP अखिलेश यादव का पता ही नहीं चलता, इनके लापता होने का पोस्टर अक्सर लगाया जाता है। जहाँ तक बाढ़ की विभीषिका का सवाल है तो योगी को पिछले साल आकर बाढ़ की मॉनिटरिंग किए और देखभाल किए। अक्सर ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रिंग बाढ़ ठोकर नोज आदि का जब भी निर्माण कराना होता है, जो सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कराया। लाटघाट में आग के लिए फायर स्टेशन बनाया, जो देवारा वासियों के आगे लाभप्रद साबित हुआ। बिजली सुविधा दुरुस्त किया। इस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए प्रदेश सरकार दिनों दिन विकास का कार्य करती जा रही है। इस अवसर पर चंद्रशेखर सिंह, तारकेश्वर ओझा, विजय पटेल, सत्य प्रकाश सिंह, जय प्रकाश सिंह, संघ खंड कार्यवाहक मनोज कुमार श्रीवास्तव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। कल उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हुए, उसी क्रम में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, और उसी क्रम में आजमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा जी ने कल सर्किट हाउस में प्रेस करके आप सबसे वार्ता की। उसी क्रम में आज पूरे प्रदेश में सभी विधानसभाओं में तय किया गया है कि वहाँ की विधायक या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी रहा है वो अपने अपनी विधानसभा में प्रेस करके 4.5 साल के सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करें। उसी क्रम में हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं। सामने जो लोग बैठे हैं उनका पहले हम परिचय करा दें। सबसे किनारे जयप्रकाश सिंह जी बैठे हैं, जो इस मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। आदरणीय तारकेश्वर ओझा जी हैं, मंडल के पूर्व अध्यक्ष हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं। श्रीकांत मौर्या जी, जो किसान मोर्चा अपना है उसके जिले के अध्यक्ष हैं, उपस्थित हैं। अंजनी सिंह जी, जो मऊ से चल करके आए हैं, जो अपना किसान मोर्चा है उसके क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं। इस प्रेस के बाद कुछ किसानों से और कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे। हमारे बगल में चंद्रशेखर सिंह जी, जो इस मंडल के अध्यक्ष हैं, एक विद्यालय के व्यवस्थापक हैं, अपने ग्राम सभा के प्रधान रहे हैं। उनके बगल में विजय पटेल जी, जो अजमतगढ़ मंडल है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। उनके बगल में शिव कुमार मौर्या जी, जो अपना रौना पार मंडल है उसके अध्यक्ष हैं। और आज मैं देवेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। इस विधानसभा से 2017 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था। कल उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हुए, और 4.5 वर्षों की हम चर्चा करें तो 1.5 वर्ष केवल कोरोना में निकला है। सरकार को समय मिला तो केवल 3 साल का समय मिला है, और 3 साल के इस कार्यकाल में योगी जी ने ऐतिहासिक काम किया है। अगर इन 4.5 वर्षों में 1.5 साल निकाल करके कार्यकाल की चर्चा करें तो आप पिछले 5 साल के सपा की सरकार की तुलना कर लें, उसके पहले बसपा की सरकार की तुलना कर लें, या उसके पहले जितनी भी सरकारें उसकी तुलना कर लेंगे
तो पिछले 4.5 वर्षों का योगी जी का कार्यकाल सभी कार्यकाल पर भारी पड़ेगा। और आजमगढ़ की आप बात करें, हम आप घर बनाते हैं तो 3 साल में घर पूरा नहीं हो पाता है। जब सरकार बनी थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किए थे। 4.5 वर्ष के अंदर ही जल्द ही आजमगढ़ की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात मिलेगी। हम आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पर चढ़ने के बाद 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि की चर्चा करें तो जल्द ही आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पूज्य योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आएंगे, और विभिन्न माध्यमों से आप कानून व्यवस्था की चर्चा करें तो एक ही उपलब्धि सारी सरकारों पर भारी पड़ जाती है। चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, तो केवल जंगल राज था, गुंडा राज था। और ख़ास करके आप आजमगढ़ की ही चर्चा करेंगे तो जिले के चारों कोने पर अपराधी सक्रिय रहते थे, अपराधी रंगदारी मांगते थे, अपराधियों का राज चलता था, चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो। आपने देखा है, आम जन ने भी देखा है, जितने भी अपराधी हैं या तो जेलों में हैं, उनका जो साम्राज्य खड़ा था उन पर योगी जी ने बुलडोजर चला करके उनके साम्राज्य को ध्वस्त करने का काम किया है। तो कानून व्यवस्था की आप चर्चा करेंगे तो ये कानून व्यवस्था के बारे में वर्तमान की सरकार सभी सरकारों पर भारी पड़ी है, और आम जन भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी जी की सरकार होनी चाहिए। अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे दीपावली मनाने की बात हो, चाहे काशी में जो लोग भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए होंगे, काशी कॉरिडोर के निर्माण की बात हो, चाहे जितने भी अपने तीर्थ स्थल हैं उनको कैसे विकसित किया जाए, ये पूरी सरकार ने प्रयास किया है। आजमगढ़ के बीच खास करके सगड़ी विधानसभा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।